पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन सिर्फ करना है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या मैनिपुलेशन करके हम आंसर लेके आ सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, ट्राइंगल्स द चैप्टर जिसमें हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रूफ दैट क्वेश्चन होता है कि भाई दिस इंटू दिस इज दिस इंटू दिस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो जब प्रूफ दैट वाले का आंसर हमें पता होता है तो हम अपनी अप्रोच डिसाइड कर सकते हैं। इस केसेस में क्या है, हमें आंसर पता नहीं है, वी हैव ऑप्शंस विद अस। तो अब हमें क्या पता कौन सा आंसर आएगा, अब जो आंसर आएगा वो आंसर लाने के लिए अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तो एज वी हैव फोर डिफरेंट ऑप्शंस, तो फोर डिफरेंट आंसर्स लाने के लिए फोर डिफरेंट अप्रोचेस से वर्कआउट करना पड़ेगा। सो दैट बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क फॉर अस, ठीक है ना। तो यूजुअली जो ट्राइंगल्स के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल्स में यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन जो आएगा वो प्रूफ दैट का क्वेश्चन आएगा, जो हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा अप्रोच आपने बिल्कुल कल ठीक लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो किस किस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो आप, तो आप बोल सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। दूसरा पाइथागोरस आप लगा सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या क्या बोल सकते हो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये हमने कल तक किया हुआ था, कल ये चारों पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखे थे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे देखो बी सी स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट मी गिव नेम्स टू दीज इक्वेशंस 1 2 3 4। सो आई विल स्टार्ट विद द थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो थर्ड इक्वेशन क्या लिखी हुई है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, तो क्या इनमें से कुछ पहले रिप्लेस किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, आई कैन राइट माई बी ई स्क्वायर एज ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। लेट मी राइट दैट। सो दिस इक्वेशन गेट्स फर्दर सिंप्लीफाइड एज बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब ई सी को आप क्या लिख सकते हो, ई सी को आप लिख सकते हो, तो इक्वेशन बन जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ई सी को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए सी माइनस ए ई का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो बी सी स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो बी सी स्क्वायर लिख दिया गया है ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। एंड व्हेन आई ओपन दिस, व्हाट आई गेट, ए सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। और एक सेकेंड, ऐसा नहीं करते हम, एक काम करते हैं, इसको जब ओपन करेंगे तो थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा हो गया, मुझे एक्सप्रेशन को एक्चुअली सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, ई सी की जगह मैं क्या करता हूँ पता है, ई सी को एज इट इज रखता हूँ, नेगेटिव वाले को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। क्यों लिखा, देखो उसके पीछे रीजन है, क्यों लॉजिक ये वर्कआउट कर रहा है। नेगेटिव वाले को अगर आप थोड़े अलग तरीके से लिखोगे तो जब नेगेटिव ओपन होगा तो नेगेटिव टर्म्स ओपन होगी, और पॉजिटिव टर्म्स का नेगेटिव टर्म्स के साथ कटने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो वी विल ट्राई बाय दैट मेथड। तो ए बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर को एज इट इज रखा, माइनस ए ई स्क्वायर लिखा हुआ है, तब ए ई को क्या लिख सकते हो आप, ए सी माइनस ई सी, ठीक है। देखो या तो मैं इसको रिप्लेस करूं या तो इसको करूं, अगर मैं ई सी को रिप्लेस करता हूं तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो स्क्वायर्ड क्वांटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है, तो कभी कट होने का चांसेस नहीं है। लेकिन अब देखो कुछ कटने का चांसेस बन गया, ए बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस टू ए सी ई सी, सही है। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, ई सी और ई सी कट जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस टू ए सी इंटू ई सी। तो हमने थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसी तरीके से सबको ये समझ आ गया मैंने क्या किया थर्ड इक्वेशन को, सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फोर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो भी बी सी स्क्वायर के टर्म में लिखी गई है। तो इक्वेशन फोर को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर इज बी एफ प्लस एफ सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अब इक्वेशन जो टू है मेरे पास उसमें से बी एफ प्लस एफ सी, तो रिप्लेस में क्या कर सकता हूँ, एफ सी को कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ सी का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी एफ इधर एज इट इज, ठीक है ना, ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर क्या लिखा गया, बी एफ प्लस ए सी माइनस ए एफ। नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट वी विल डू इज, नेगेटिव वाले को किसी और तरीके से लिखो ताकि स्क्वायर जब ओपन हो तब कटने की कोशिश करें। तो ए एफ को आप क्या लिख सकते हो,
देखो ए एफ को आप लिख सकते हो ए बी माइनस बी एफ, उसको लिख सकते हो ए बी माइनस बी एफ का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी एफ का स्क्वायर, ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ। अब ये देखो ये जब ओपन होगा तो माइनस बी एफ खुलेगा, ये खुलेगा माइनस बी एफ का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस टू ए बी बी एफ, इफ यू सी बी एफ कट गया तो हुआ क्या, बी सी स्क्वायर बन गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी एफ। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में फिफ्थ इक्वेशन आ गई और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। अब आप क्या कर लो, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड कर दो तो होगा क्या, एडिंग फाइव एंड सिक्स तो बन जाएगा टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए सी का इधर पॉजिटिव साइन था इधर नेगेटिव, तो ए सी से कट गया, ए बी से कट गया, ठीक है ना। तो मैं इसको काट नहीं रहा हूँ नहीं तो लिख नहीं पाओगे अच्छे से, ये समझ लो ए सी जो स्क्वायर था वो इससे कट गया, ए बी जो स्क्वायर था वो इससे कट गया, तो टू बी सी स्क्वायर आपके पास फाइनली यहाँ क्या बच गया है, टू बी सी स्क्वायर बच गया है टू ए सी इंटू ई सी प्लस टू ए बी इंटू बी एफ, ठीक है। अब टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ई सी प्लस ए बी इंटू बी एफ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इज इट क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है एक बार देखिएगा, ए वाला आएगा, ठीक है, तो उसको नोट कर लो। अगर आपके पास आंसर ऑलरेडी आपको मालूम होता तो आप कंक्लूजन निकालने के लिए तरीका सोच सकते थे, ठीक है ना। तो आंसर नोन होता है तो उस केसेस में थोड़ा सा अप्रोच इजी हो जाता है, बट नोन नहीं होता है तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खर्च होता है एंड इट टेक्स टाइम, ठीक है। अच्छा लंबा क्वेश्चन है, नोट कर लो सर एक बार पूरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ ना। चले आगे, यस सर। फटाफट फटाफट मुझे ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स भेज दो आप, जो जो आपके डाउट्स हैं उनको एक बार। सर 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 ये एक लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन 39 डाउट देख लेते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जाते जाते, 39 में क्या है आपके पास, सिर्फ इसमें आपको अपोलोनियस लगा देना है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। 39th एक बार देख लेते हैं क्या है 39th क्वेश्चन के अंदर। सो इफ आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 39, ए बी सी, लेट्स से दिस इज अ मीडियन ए डी, बी इज अनदर मीडियन एंड सी एफ इज अनदर मीडियन, ठीक है ना, ए डी बी ई एंड सी एफ आर द मीडियंस। तो पहले अपोलोनियस से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज टू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, इज इट क्लियर, या टू बी डी स्क्वायर लिखो या हाफ बी सी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हो अपोलोनियस से, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू टू टाइम्स सी एफ स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर, सही है। सिमिलरली अपोलोनियस अगर तीसरी साइड आपने लगा दिया तो ये वाला क्या बन जाएगा आपके लिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज टू टाइम्स बी ई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, सबको ऐड कर लो तो ए बी कितनी बार आ गया, दो बार आ गया और हाफ बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बना कितना 2 माइनस हाफ दैट इज 3 बाय 4, 2 माइनस हाफ मतलब 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर हो जाएगा, वही 3 बाय 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर हो जाएगा, वही 3 बाय 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। आप एलसीएम ले लोगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ठीक है, ऐसे प्रूफ कर लेंगे आप, ठीक है, उसको नोट कर लो। यस चलिए अब फटाफट फटाफट मुझे ट्रिको के डाउट्स भेज दो आप, एक मिनट थोड़ा ऊपर, हाँ हो गया सर, तो मुझे बताते जाओ डीपीपी 1 में कोई डाउट है क्या, डीपीपी 1 में मैं कॉल आउट करता हूँ नंबर के साथ, कहीं पे भी अगर डाउट है तो आप मुझे रोक लें। डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर किसी को भी पीछे अगर कहीं ना कहीं डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, हम लोग कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कभी दूसरे पेशेंट को देख के हम शर्माते नहीं है, है ना, उसका मैटर है, उसका प्रॉब्लम है, वो आया डॉक्टर के पास, हम अपना प्रॉब्लम लेके आए, हम अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके जाएंगे, ठीक है ना, सो नेवर बी वरीड अबाउट एनीवन, तो लोग क्या सोचेंगे। नेक्स्ट डीपीपी 2 में आ जाते हैं, तो डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 क्वेश्चन में बेटा देखो क्या लिखा है, 10 प्लस sec माइनस 1 लिखा है अपॉन tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा प्लस 1 लिखा है, ठीक है ना, ये बन जाएगा 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। अब मैंने आपको बताया जब लेफ्ट हैंड साइड आपने देखा वो tan और sec में है तो राइट हैंड साइड का आंसर भी tan sec में कर लो, तो क्या बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोसीड करोगे, 1 को क्या लिखना है आपको, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, तो sec माइनस tan sec प्लस tan, तो sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लो आप, यहाँ पे जो चीज बचेगी वो क्या बच जाएगी, ये तो 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा, और वही 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा नीचे था, तो आंसर आपका सीधा सीधा sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। 21st देख लो एक बार, अरे अलग क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन अलग है, हां तो मतलब डीपीपी 1 में क्वेश्चन मैच कर रहे थे क्या इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसिक ए को लिख सकते हो 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए,
और सी के को लिख सकते हो वन बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सही है? Yes. ये क्या हो जाएगा आपके लिए, वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एक पावर कट जाएगी तो कॉस बच जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा तो एक साइन बच जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कॉस से साइन है एल एच एस, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन कॉस, ये ऊपर चला गया तो बन जाएगा साइन कॉस, सही है? यस सर, यस सर, ये कॉस से साइन से फिर से, अरे देखो टेन वाला बताओ ना, टेन वाला आरएचएस बताओ कैसे किया, सर देखो टेन को लिखा साइन बाय कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, तो साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन कॉस आ गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन होता है, साइन कॉस ऊपर चला गया तो साइन कॉस आ गया, सही है? यस सर, ठीक है ना? यस यस, चले आगे। हाँ सर। नेक्स्ट 22, 23, 24, 25, 26, 27, 24 में क्या लिखा है, वन प्लस टेन ए टेन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो कैसे खुलेगा, वन प्लस, सी दिस इज वन अप्रोच विच वी आर थिंकिंग, अब करेंगे आगे तो पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव अप्रोच है, हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी क्या बनता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस टू टेन ए टेन बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस टू टेन ए टेन बी, सही है? ये खोलने के पीछे का पर्पज ही सिर्फ ये था कि टू टेन ए टेन बी मुझे लगा वहां से भी निकलेगा यहां से भी निकलेगा और कटआउट हो जाएगा, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बना, वन प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, सही है? तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फर्स्ट और थर्ड को क्लब के लिए, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर ए कॉमन आ गया, दूसरे में से टेन स्क्वायर बी कॉमन निकाल लिया, बचा क्या वन प्लस टेन स्क्वायर बी, तो ये टेन स्क्वायर ए बचा, ठीक है ना? हमने टेन स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, बचा क्या वन प्लस टेन स्क्वायर ए बचा, अब फिर फैक्टराइज किया तो पता चला वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर बी बन गया, ठीक है ना? तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सी के स्क्वायर ए, और वन प्लस टेन स्क्वायर बी हो जाएगा सी के स्क्वायर बी, सो आंसर विल बी सी के स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी। Yes. 26 एक डाउट आया तो 26 भी देख लेते हैं। 26 तो देखो 26 में क्या लिखा, 25 किसी को डाउट है? नो सर। 26 देखो, sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन, इसको लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस वन, तो करना क्या है आपको, देखो नीचे दिख रहा है बहुत आसानी से sec थीटा प्लस वन लिखा है, तो क्यों ना मैं इसको रेशनलाइज करने के लिए सी थीटा प्लस वन के स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई कर दूं, स्क्वायर रूट के अंदर सी थीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे सी थीटा प्लस वन का स्क्वायर हो गया, जब ये चीज बाहर आ जाएगी तो ऊपर क्या लिखा हुआ है सी स्क्वायर थीटा माइनस वन और नीचे सी थीटा प्लस वन आ गया, व्हाट इज सी थीटा माइनस वन, सी स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, ये बहुत प्यार से टेन थीटा अपॉन सी थीटा प्लस वन दे देगा। नेक्स्ट 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 में क्या होगा, देखो
यशवी मैं आपको बता दूं 36 इज नथिंग सर 35th भी 35th भी बताता हूं एक मिनट पहले 36 मुझे बताने दो यशवी देखो क्या होगा पता है जो पहला वाला एक्सप्रेशन लिखा ना सी प्लस वन माइनस टेन सी प्लस वन प्लस टेन उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली आंसर सी प्लस टेन या सी माइनस टेन में से एक आएगा ये जो मैंने 21st किया ऐसे दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसके अंदर तो पहला जब सॉल्व करोगे तो सीक प्लस टेन आ जाएगा या सीक माइनस टेन आ जाएगा सिमिलरली जब दूसरे को सॉल्व करोगे तो सीक प्लस टेन या सीक माइनस टेन आएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन देखो मैं देख पा रहा हूँ अगर 21st आपने देखा है तो 21st इज सेम एज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस दिख रहा है क्या आपके पास 36th क्वेश्चन है अवेलेबल यशवी हाँ यस उसका जो सेकेंड पार्ट है ये 21st क्वेश्चन इटसेल्फ है तो उसका आंसर सीक प्लस टेन आपने निकाल लिया जो पहला करोगे तो उसका आंसर सीक थीटा माइनस टेन थीटा बेटा आ जाएगा तो जब दोनों को आप ऐड कर लोगे तो 2 सीक थीटा आ जाएगा सही है यस ठीक है ना 35th अब देख लेते हैं एक बार ओके यशवी पता चल गया यस देखो अब 35th वाला डाउट है 35th में क्या लिखा tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अच्छा tan क्यूब है नहीं tan ही है tan ही है tan क्यूब उसके पहले वाले में tan लिखा है tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot ऑफ थीटा बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा आपको ये प्रूव करना है अच्छा तो पहले तो मैं क्या करता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर में होना चाहिए सिमेट्रिकली होना चाहिए है ना होना चाहिए अपन करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा ठीक है ना तो tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप sec स्क्वायर ठीक है ना तो sec स्क्वायर को जब मैं आयुष क्या बात कर रहे हो कहाँ से आए सच बताओ झूठ मत बोलना अरे यही था सर क्या है? ऐसे लग रहे थे शरबत पी क्या तुम तुम्हारे दादा सर आपने पी लिया ना शरबत मैंने नहीं शरबत नहीं मैं शरबत पी रहा हूं कब सर देखो आप पी रहे हो शरबत ये पर तुम्हारा मुंह और सब कुछ लाल लाल लग रहा है ऐसे लग रहा है तुम गोला खा गए सर अभी बारिश हो रही थी बाहर क्या गोला अच्छा बारिश हो रही है सर खाता हूं चार दस तक तो क्लास है अब्बास क्या हुआ गुड मॉर्निंग सर पांच मिनट है चलो इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं अब्बास तुम करो कि 5 मिनट बात करो यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बहुत तुमने काम कर लिया क्या tan थीटा अपॉन sec रेज़ टू 4 थीटा ठीक है ना और ये क्या हो जाएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है देखो ठीक है ना cot थीटा बाय cosec की पावर 4 थीटा साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा ठीक है ना अच्छा कॉस क्यूब बनेगा क्या बनेगा देखो टैन को लिखा साइन अपॉन कॉस कॉस और सी की पावर 4 जब क्लब करेंगे तो कॉस क्यूब बच जाएगा ठीक है नेक्स्ट दूसरा यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा बाय साइन क्यूब थीटा ठीक है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा और ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा ठीक है सही है तो जब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ प्लस कॉट स्क्वायर हो गया अरे सर ये कैसा है ये साइन थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा ये देखो यहाँ सर वो 1 बाय कॉस को कॉस 4 थीटा होगा तो कॉस तो ऊपर चला जाएगा ना ओहो हो सॉरी 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 बिल्कुल सही बोला आपने यस 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 ये बन जाएगा सी क्यूब मतलब ऊपर जाएगा बिल्कुल सही बताया आपको बिल्कुल सही बताया ये हो जाएगा किसी का भी ध्यान नहीं था सर तब में सब उंगा रहे सिर्फ आगम का ध्यान था नहीं नहीं अब्बास ऐसा मत सोचो तुम मोटिवेटेड रहो यार सर अब्बास सबको अपने जैसा समझने लगा है अब्बास लगता है आजकल ज्यादा गेम खेल रहा है अब्बास नहीं नहीं सर कौन सी गेम खेलते हो आजकल तुम तो ये हो जाएगा साइन थीटा जी सर कैंडी क्रश खेल लो बेटा पबजी खेल लो जितनी खेलनी है क्या पता कौन सी रात को बैन हो जाए कॉस थीटा बेसिक खेलता हूं सिर्फ ठीक चलो साइन थीटा कॉस क्यूब प्लस कॉस साइन क्यूब तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया आपने और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सही है और ये बन जाएगा 1
तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। चलो आगम ने सॉल्व करवा दिया हमें क्वेश्चन, थैंक यू आगम। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39। सर है ही नहीं, क्या पढ़ रहे हो आप, मिसेलेनियस में आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर मिसेलेनियस का 4, 5, 6, 7। मिसेलेनियस का फोर्थ, ये एक मिनट ऊपर करो। अरे मिसेलेनियस के ये डिस्कस नहीं किया गया, 4, 5, 6 मैंने क्लास में नहीं करवाए क्या आपको? हाँ क्लास में नहीं किया क्या 4, 5, 6 हमने? एक मिनट रुको सर देखने दो। देख लो यार एक बार, जब कर दी है, कर दी है। किसने पूछा 4, 5, 6 करे हुए तो है सर? हाँ तो सर एक बार देख लूंगा। देखो ना ऐसा मत करो अरिश, देखो जो भी चैप्टर रिकॉर्डेड सेशन में आपके लिए इसीलिए डाल रहा हूँ कि एक बार हमने क्लास में तो डिस्कस कर लिया, उसके बाद भी आप बार बार उसको रिवाइज करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि ये अप्रोच से हम करेंगे तो हमारा आंसर 100% आ ही जाएगा। जैसे तीन टर्म्स वाले में हम क्या हमेशा अप्रोच करते हैं, वन को रिप्लेस करते हैं, सी स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या कोसी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, दैट इज अ रूल, ठीक है? तो किस तरीके से क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो वो अप्रोच को अब होता क्या ना पहली बार करते हैं तो हम एक अप्रोच से नहीं करते, हम दो तीन अलग अलग मेथड से करते हैं और फाइनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ऐसे ही हर क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच से करते हैं, दो तीन बार करते हैं गलत होता है फिर सही हो जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ अप्रोचेस आ जाती है, लेकिन हमेशा एक अप्रोच अपने माइंड में फिक्स रखो जिससे हमेशा आंसर आ जाए, वो आपके टिप पे होनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं क्वेश्चन की जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन जब भी एनसीईआरटी का या बोर्ड में आता है तो कोई बाहर से नहीं आता, इन्हीं गिने चुने घिसे पिटे क्वेश्चनों में से आता है, तो आप मेथड बहुत अच्छे से याद रख लें, ठीक है? वीडियो बहुत अच्छे से देख, अरिष्ट एक बार देख लेना, ठीक है ना? जो जो डाउट आपके हैं ये सारे हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, नहीं तो मैं फिर से सॉल्व कर लेता। देखो फोर्थ में बता देता हूँ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करके रख दो आप, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर करके रख दो, जेड स्क्वायर को स्क्वायर करके रख दो, और होगा क्या, पहले वाले में साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर सी, तो साइन स्क्वायर है कॉमन निकाल लोगे तो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी वन हो जाएगा। तो पहले दो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने एक्सप्रेशन किया उसमें से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आया, जब जेड स्क्वायर ऐड कर दिया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आया, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बना दे, ठीक है? सिमिलरली फिफ्थ वाले में, देखो फिफ्थ वाले में भी कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला है, आप ऑटोमेटिकली एक्स को स्क्वायर कर दो वाई को स्क्वायर कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा, यू विल हैव नो अदर चॉइस। नेक्स्ट सिक्स्थ वाले में क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, कोसीक माइनस साइन को, ठीक है ना, और कोसीक माइनस कॉस को, ठीक है? तो अब यहाँ से हम क्या करें, देखो जैसे कोसीक माइनस सीक लिखा है अरिश, यस सर, सिक्स्थ वाले में देख लो अभी एक बार, ये है 1 by sin minus sin is equal to m, तो m का वैल्यू आप बोल सकते हो 1 minus sin square by sin which is cos square by sin, m की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू cos square by, इसकी n की वैल्यू आ जाएगी sin square by cos, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल उसकी अपोजिट है, 1 by cos minus cos है, तो ये बन जाएगा sin square by cos, m n पता चल गया ना, बस डायरेक्टली पुट कर दो m square n में और n square m में, आपका ऑटोमेटिकली आंसर बना जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है, ओके नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, 7, 8, 9, ठीक है? तो डीपीपी 2 हमारी तरफ से हो चुकी है, डीपीपी 3 में कोई डाउट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वाला क्वेश्चन ये किया है क्लास में हमने? हाँ सर, ठीक है, 7, 8 है ना, 8 थोड़ा सा था अच्छा, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशंस कर लिया होगा आपने, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 13th वाला, 13 देख लेते हैं, DPP 3 का 13th, तो DPP 3 के 13th में क्या दिया है, ABC are the interior angles of the triangle, show that cosec square B plus C upon 2 minus tan square A by 2 is equal to 1, so if I know that A plus B plus C is equal to 180 degree, ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ, because these are the interior angles of a triangle, so I can say B plus C is 180 minus A, so B plus C by 2 is 90 minus A by 2. तो ये क्या बन गया? Cosec square 90 minus A upon 2 minus ये बन जाएगा tan square A by 2. LHS लिया मैंने, ठीक है ना? Cosec of 90 minus A sec square, तो sec square A by 2 minus tan square A by 2 क्या हो जाएगा?
वन हो जाएगा, तो आपका आंसर वन टू हो जाएगा। ठीक है ओके, तो 13th हमने कर लिया है। 14th में किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। ओके तो डीपीपी 4 में किसी को डाउट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं? आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया क्या डीपीपी 4? अरे सर कर लिया ना सर। अरे सर सब हो गया है सर, सब कर लिया। चल ठीक है, तो डीपीपी 4 तक हमारा डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, डीपीपी 4 तक आप लोगों का डिस्कशन हमने कर लिया है। डीपीपी 4 में किसी को कोई डाउट नहीं है, विल पुट अ टिक ओवर हियर। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे तो मुझे याद करवाना, ड्रिल से हमें शुरू करना है। ठीक है? यस सर, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द इवनिंग। बाय सर। बाय सर।